दोस्तों, मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया भर में बहुत से स्थान रहस्यों से भरे पड़े हैं, जिनमें से कई स्थानों के रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए, जबकि कुछ स्थानों के रहस्यों को आंशिक रूप से सुलझा सके हैं। हालांकि अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए रिसर्च अभी भी जारी है। इनमें से कई स्थान टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुके हैं। दुनिया के रहस्यमय स्थानों पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। आज के इस भाग में हम आपको ऐसे ही कुछ और स्थानों के बारे में बताएंगे। अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर जमी बर्फ में एक ऐसी जगह है जहां से लाल रंग का झरना बहता है और जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा हो। यह रहस्य पिछले 100 सालों से बना हुआ था, लेकिन एक सदी के बाद वैज्ञानिकों को इस रहस्य से पर्दा उठाने में कामयाबी हासिल हुई है। अमेरिका के कोलोराडो कॉलेज और अलास्का यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में की गई शोध में पाया गया कि यह पानी दरअसल एक विशाल काय तालाब से गिर रहा है, जिसकी खासियत यह है कि यह तालाब लाखों सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ था। शोधकर्ताओं का कहना है कि जैसे जैसे पानी जमने लगता है, वह अपनी गर्मी छोड़ता है और यही गर्मी चारों ओर जमी हुई बर्फ को गर्म करती है। इस प्रक्रिया के कारण यहाँ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और इस तरह लाल रंग की उत्पत्ति होती है। साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर इस झरने की शोध करने यहाँ आए और उनका मानना था कि यह लाल रंग दरअसल लाल रंग के माइक्रोस्कोपिक शैवाल के कारण है। लेकिन साल 2003 में वैज्ञानिकों द्वारा टेलर की शैवाल थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया, जिसके बाद एक और रिसर्च की गई और पाया गया कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है, जिस कारण इसका रंग लाल नजर आता है। जरा सोचिए कि अगर आपने रात को जहां पर अपनी कार खड़ी की है और सुबह के वक्त आपको अपनी कार ना मिले, तो आप पर क्या बीतेगी? आप पहली बार में तो यही सोचेंगे कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है। लेकिन अगर आप लद्दाख के लेह क्षेत्र में मैग्नेटिक हिल नाम की इस रहस्यमयी पहाड़ी के आसपास अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और सुबह गाड़ी ना मिले, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी को किसी चोर ने नहीं बल्कि पहाड़ी ने ऊपर खींच लिया है। ये कैसे संभव है? ये एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहाड़ी में चुंबकीय शक्ति है जो गाड़ी को लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींच लेती है। अगर आप इस पहाड़ी पर अपनी गाड़ी न्यूट्रल पर खड़ी कर देते हैं, तो वह वहीं खड़ी रहेगी, जबकि किसी दूसरी पहाड़ी पर ऐसा करने से आपकी गाड़ी तेज रफ्तार से नीचे उतरेगी। ऐसी ही एक पहाड़ी न्यू ब्रंसविक नामक स्थान पर मौजूद है, जिसका पता साल 1930 में चला था। इस पहाड़ी के रहस्य को सुलझाने का काम अभी भी जारी है। यह स्थान एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हमारी दुनिया में मौजूद आइसलैंडिक आइलैंड नाम का यह स्थान भी किसी रहस्य से कम नहीं है। यूं तो दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान सदियों से मौजूद हैं, लेकिन समुद्र के बीच अचानक उभरे इस टापू ने सबको हैरान कर दिया, जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने सर्टसे नाम दिया है। 1963 से पहले इस आइलैंड का कोई अस्तित्व नहीं था। जब इस टापू के बारे में वैज्ञानिकों ने खोज की, तो पता चला कि यह टापू 1963 में हुए पानी के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दुनिया में नजर आया था। ज्वालामुखी में लगातार 1967 तक विस्फोट होते रहे और साथ ही इसका आकार और ऊंचाई बढ़ती रही। इस वीरान टापू की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस टापू पर खोज करने के बाद यहाँ पर कई रहस्यमय चीजें पाई। जब इस टापू की खोज जारी थी, तब इस पर अचानक ही टमाटर के पौधे उगने लगे। अपने आप हुई इस घटना को देखकर सभी लोग चौंक गए। वैज्ञानिकों ने उन पौधों को वहां से हटवा दिया
और उसके बाद एक ऐसा पौधा दिखा जो बिना किसी मदद के बढ़ रहा था। सुरक्षा कारणों के चलते इस स्थान पर लोगों के आने की सख्त मनाही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं रहता और सिर्फ फलमर और गुलोमेट नाम की चिड़िया यहाँ पर पाई जाती हैं। तुर्की के पमुकले में स्थित ये स्थान अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ पर 17 हॉट स्प्रिंग्स हैं। यह प्राकृतिक गर्म पानी के झरने यहाँ पर हजारों सालों से हैं। इन झरनों के पानी में मौजूद मिनरल्स के बाहरी हवा के संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि हजारों सालों से इन झरनों के किनारों पर जमा हो रहा है। इसी कारण इन झरनों ने स्विमिंग पूल जैसा आकार ले लिया है। इन हॉट स्प्रिंग्स में पानी का तापमान 37 से 100 डिग्री के बीच रहता है, क्योंकि इस तरह के गर्म पानी में नहाना हमारे शरीर खासकर त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद रहता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत से लोग आते जाते हैं। न्यूयॉर्क के ऑर्चार्ड पार्क में स्थित एक छोटा सा झरना बहता है, जिसमें एक जलती हुई आग दिखाई देती है। देखने वालों को आश्चर्य होता है कि यह आग कैसे जल रही है। शोध करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि वहां पर चट्टानों के नीचे से मीथेन गैस निकलती है। कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यहां पर किसी ने मीथेन गैस में आग लगा दी थी और तब से लेकर यह आग यहां लगातार जल रही है। कैलिफोर्निया के तैरते हुए पत्थरों पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थरों का अपने आप खिसक जाना नासा के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस स्थान पर ऐसे पत्थरों की संख्या 150 से भी ज्यादा है। हालांकि इन पत्थरों को किसी ने अपनी आंखों से खिसकते हुए नहीं देखा। सर्दियों में ये पत्थर करीब 250 मीटर से ज्यादा दूर तक खिसके हुए मिलते हैं। 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। उस टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नामकरण किया और उस पर 7 सालों तक अध्ययन किया। कैरीन नाम का 317 किलो का पत्थर अध्ययन के दौरान जरा भी नहीं हिला। लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ सालों बाद वहां पर वापस लौटे तो उन्होंने कैरीन को 1 किलोमीटर दूर पाया। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही यूट्यूब के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।